Hello everyone, this video is a sample recording from our live classroom session for GATE and UGC NET Computer Science. If you want to enroll for the UGC NET Plus course or the GATE Plus course, please call us on the numbers that is given in this video, and you can also visit our website, which is www.digimeter.com. I hope you like the video and please like and share with your friends. Okay, so kal hum logon ne हाफ सब्ट्रैक्टर स्टडी किया था, आज की क्लास में हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने हाफ एडर और फुल एडर स्टडी किया था, हाफ एडर में आपके कितने इनपुट्स थे 2 एंड फुल एडर में कितने इनपुट्स थे हमारे 3। सिमिलरली हाफ सब्ट्रैक्टर में आपके 2 इनपुट्स थे, फुल सब्ट्रैक्टर में आपके 3 इनपुट्स होंगे। तो यहां पर फुल सब्ट्रैक्टर के लिए इनपुट जो हम लेंगे ए बी एंड सी, और जो आपके आउटपुट्स होंगे दैट विल बी डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, तो यहां पर आपके 3 इनपुट्स होंगे ए बी सी एंड आउटपुट्स हमारे होंगे डिफरेंस एंड बोरो। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। ठीक है, तो ये आपके 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। जैसा कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाफ सब्ट्रैक्टर में कि 0 में से 0 गया कितना होता है आपका 0, डिफरेंस एंड 0 बोरो। तो आपको क्या करना है कि a माइनस बी करना है सबसे पहले, और जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आपको c के साथ परफॉर्म करना है, अगेन सब्ट्रैक्शन। तो 0 0 0 कितना होगा 0 0, देन 0 में से 0 गया कितना बचेगा 0, देन 0 में से 1 गया, कल हम लोगों ने स्टडी किया था और मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था, 0 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 1 1। सिमिलरली 0 में से 1 गया कितना बचेगा 1 1, और लास्ट वाला 0 ही है तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नाउ नेक्स्ट 0 में से 1 गया क्या होगा आपका 1 1 होगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये पॉइंट मैंने आपको फुल एडर में भी समझाया था कि जब 0 में से 1 गया तो आपका 1 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ डिफरेंस वाले आउटपुट को अगले इनपुट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो आपका बोरो है, जब आपने 0 में से 1 किया तो आपका 1 बोरो आया और 1 डिफरेंस आया, तो आपको बोरो को एज इट इज लिख देना है। अब जो 0 में से 1 गया तो जो 1 डिफरेंस आया है तो 1 माइनस 1 कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सिर्फ एक 1 है, बाकी दोनों 0 हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 0। नेक्स्ट 1 में से 0 गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 में से 1 गया क्या हो जाएगा 0 0, देन अगेन 1 में से 1 गया 0 0, और अगेन लास्ट में अगर आप देखते हो 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0, 0 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 1 1। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डिफरेंस का जो आपका आंसर निकल कर आएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब अगर आपने मैजिकल नंबर जो मैंने आपको बताया हुआ है अगर आप वो माइंड में रखोगे तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो ए एक्सोर बी एक्सोर सी। मैजिकल नंबर क्या है हमारा कि जब भी 1 2 4 7 1 2 4 7 में आप देख सकते हो आपका डिफरेंस क्या क्या है 1 1 1 1, दैट मींस जब भी 1 2 4 7 में आपको 1 मिलेगा 3 इनपुट्स के लिए आंसर क्या होगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। नाउ अगर हम बोरो की बात करते हैं यहां पर, तो बोरो के लिए आप देखो, बोरो के लिए ऐसा हमने कुछ याद नहीं किया हुआ है, तो हमें सिंपली बोरो का इक्वेशन लिखना है और उसे सॉल्व करना है। तो आप देखो बोरो आपका यहां पर 1 है 0 0 1 पे, मतलब क्या लिखोगे आप ए बार बी बार सी। फिर कहां पर 1 है बोरो आपका 0 1 0 पे, दैट मींस ए बार बी सी बार। फिर कहां पर 1 है आपका 0 1 1 पे, दैट मींस ए बार बी सी। और लास्ट आपका 1 है 1 1 1 पे, दैट मींस ए बी सी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका बोरो का इक्वेशन। लेकिन अगेन ये आपका फाइनल इक्वेशन नहीं होगा, इसे हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज। तो जिस तरीके से हम लोगों ने फुल एडर में कैरी का इक्वेशन मिनिमाइज किया था, सेम तरीके से हम बोरो का इक्वेशन भी मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से फुल एडर में हम लोगों ने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखा था, क्या उस फॉर्मेट में यहां पर इक्वेशन लिखा जा सकता है? याद होगा हम लोगों ने ये टॉपिक दो से तीन बार स्टडी किया है कि अगर कोई एक टर्म बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा हो तो उस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट। तो क्या यहां पर आउट ऑफ फोर टर्म्स कोई भी एक ऐसा टर्म है जो बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा हो, जिसे हम रिपीट कर ले और हमारा आंसर आ जाए? क्या कोई भी एक ऐसा टर्म है यहां पर? कोई कमेंट कर सकता है, कोई ऐसा टर्म है यहां पर जो बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा है? अगर मैं उसी फॉर्मेट में आंसर लिखना चाहूं जैसे हम लोगों ने फुल एडर का आंसर लिखा था, तो नो, एबीसी नहीं होगा। आपको याद होगा जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था एबीसी को याद मत कर लेना। एबीसी एक एग्जाम्पल में रिपीट हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल में रिपीट होगा। आपको एक ऐसा टर्म ढूंढना है जो बाकी बचे टर्म्स के साथ इक्वल परफॉर्मेंस दे। अगर आप एबीसी को देखते हो तो एबीसी और ए बार बीसी क्या कॉमन आ रहा है, बीसी। लेकिन अगर आप ए बार बी सी बार और एबीसी को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका बी कॉमन आएगा। तो इक्वल परफॉर्मेंस कैसे हुआ? ये इक्वल परफॉर्मेंस का मीनिंग यह था कि आप जब भी कॉमन लो हमेशा दो दो वेरिएबल कॉमन आने चाहिए थे तीनों से। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, ए बार बी सी को ध्यान से देखो, यहां पर ए बार बी सी को, ए बार बी सी को अगर एबीसी के साथ कॉमन लेते हो तो क्या कॉमन आएगा, बीसी। ए बार बी सी को अगर ए बार बी सी बार के साथ, मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में से कॉमन निकालते हो तो क्या कॉमन आता है आपका, ए बार बी। अब अगर आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, दैट मीन्स ए बार बी सी और ए बार बी बार सी में से कॉमन लेते हो तो क्या कॉमन आता है आपका, ए बार सी। तो आप देख सकते हो कि ए बार बी सी वो टर्म है जिसको आप अगर बाकी बचे टर्म्स के साथ कॉमन लो तो दो दो वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं आपके। तो इसका मतलब यहां पर ए बार बी सी वो टर्म है जिसे हमें रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो ए बार बी सी को रिपीट करके देखो आंसर क्या बन रहा है। तो यहां पर अगर हम ए बार बी सी को टू टाइम्स रिपीट करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ए बार बी सी और ए बी सी इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है आपका, बी सी। देन ए बार बी सी एंड ए बार बी सी बार इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है आपका, ए बार बी एंड ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ए बार सी। तो अगेन आप देख सकते हो कि ए बार बी सी वो एक टर्म है आपका जिससे आपको दो दो वेरिएबल कॉमन निकल रहे हैं। तो आपका जो बोरो आ रहा है यहां पर बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो आप इसको ये मत सोचो कि आप फुल सबट्रैक्टर स्टडी कर रहे हो, आप ये समझो कि आप बुलियन का एक मिनिमाइजेशन टेक्निक स्टडी कर रहे हो। तो एक और क्वेश्चन की हमने यहां प्रैक्टिस कर ली जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एबीसी पेटेंट नहीं है कि हमेशा आप एबीसी को रिपीट करोगे। आपको वो टर्म ढूंढना है जो बाकी बचे टर्म्स के साथ क्या दे रहा हो, इक्वल परफॉर्मेंस। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। नाउ ये आपका एक फॉर्मेट हो गया बोरो का। अब हम लोगों ने जिस तरीके से कल कैरी के दो फॉर्मेट लिखे थे फुल एडर में, उसी तरीके से बोरो के भी दो फॉर्मेट हो जाएंगे। तो अगर मैं बिना रिपीट किए सिर्फ स्टार्ट के फोर टर्म्स को देखूं जो ओरिजिनल था मेरा, तो आप देख सकते हो कि हमारा अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को देखें, या फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को देख लें, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को देख लें तो सी कॉमन आ रहा है आपका। तो सी ए बार बी बार प्लस ए बी। और अगर आप सेकेंड और थर्ड टर्म को देखो तो आपका कॉमन आ रहा है ए बार बी। मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो पहला इक्वेशन लिखा हमने बोरो का वो हमने ए बार बी सी को रिपीट करके लिखा है,
जो दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं बोरो का, वो अब हम नॉर्मल जो हमारे फोर टर्म्स आए थे सिर्फ उन्हीं का यूज करके लिख रहे हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म से हमने सी कॉमन लिया है, एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म से हम लोगों ने यहां पर क्या कॉमन लिया है, ए बार बी। क्लियर है अच्छे से? तो अब अगर आप देखते हो, अगर आपने लॉजिक गेट्स घर में रिवाइज किए हैं तो आपको याद होगा कि ए बी प्लस ए बार बी किस लॉजिक गेट्स का एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन होता था आपका ए एक्स नॉर बी का। सी प्लस सी बार कितना होता है हमारा, वन। तो आंसर क्या आ गया, ए बार बी। ठीक है ना, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये कौन सा होता है लॉजिक गेट आपका, ए एक्स नॉर बी, देन सी प्लस सी बार वन। तो क्या बच जाएगा आपका, ए बार बी। तो बेसिकली ये आपका बोरो का स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको हर एक बुक में दिखेगा। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आपके लिए, जैसा मैंने आपको फुल एडर के टाइम पे भी बोला था कि जो बोरो का या कैरी का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है फुल एडर या फुल सब्ट्रैक्टर में, उसमें आपको हाफ एडर या हाफ सब्ट्रैक्टर में जो बोरो या कैरी आ रही होगी वो एक टर्म जरूर मिलेगा। तो आप देखो, जो हमने कल हाफ सब्ट्रैक्टर स्टडी किया था, हाफ सब्ट्रैक्टर की बोरो आई थी ए बार बी, और देख सकते हो फुल सब्ट्रैक्टर की बोरो में भी हमें एक टर्म क्या दिख रहा है, यहां पर एक टर्म हमें दिख रहा है ए बार बी। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपके बोरो के इक्वेशन होंगे, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो अब हम यूज करेंगे। ठीक है, बट आपको फर्स्ट इक्वेशन भी निकालना आना चाहिए। सबको क्लियर है अच्छे से? ओके, नाउ यहां पर हमारा टारगेट जो है अगेन वही है कि हमें फुल सब्ट्रैक्टर को रियलाइज करना है यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लासेस, तो हम लोगों ने हाफ एडर को भी रियलाइज किया है, हम लोगों ने फुल एडर को भी किया है, हाफ सब्ट्रैक्टर को भी किया है, और फुल सब्ट्रैक्टर को भी किया हुआ है। तो फुल सब्ट्रैक्टर को बेसिकली आज हम करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप रियलाइज करो, हमेशा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, डिफरेंस या सम पे। ठीक है ना, बोरो या कैरी जो है वो ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगी बीच के टर्म्स से। क्लियर, तो यहां पर हम सबसे पहले डिफरेंस को रियलाइज करेंगे, और अगर आपको फुल एडर याद हो तो फुल एडर का जो समेशन है वो भी यही आया था, ए एक्स और बी एक्स और सी। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ए एक्स और बी बनाया था, और ए एक्स और बी के बाद ए एक्स और बी को एक इनपुट लिया था और सी को दूसरा इनपुट, और दोबारा से सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो क्या बन गया था आपका, ए एक्स और बी एक्स और सी। तो बेसिकली सेम टू सेम टास्क हमें यहां परफॉर्म करना है। तो बीच के सारे स्टेप्स हैं, जो सारे के सारे आपके इनपुट्स हैं, वो भी यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए एक्स और बी डेवलप कर लिया, उसके बाद अब ए एक्स और बी को हम एक्सोर परफॉर्म करेंगे सी के साथ। तो आपका आंसर आ जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो यहां पर अगर मैं बीच के सारे स्टेप्स लिख दूं, तो फाइनल बोरो है आपकी, फाइनल जो डिफरेंस है वो है ए एक्स और बी एक्स और सी। इंटरमीडिएट स्टेप जो है आपके ए एक्स और बी इंटू सी का बार, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टू इनपुट नैंड गेट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करके होल बार करना। ठीक है ना, इक्वेशन चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो हमें टेंशन नहीं लेना, हमें सिर्फ ये देखना है दो इनपुट को मल्टीप्लाई करना है और उनका होल बार करना है, दैट्स इट। तो अगर आप इस वाले नैंड गेट को देखोगे तो इनके इनपुट क्या क्या है, एक तो है ए एक्सोर बी इंटू सी का बार, और एक है ए एक्सोर बी। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और होल बार कर दोगे। अगर आप नीचे वाले नैंड गेट को देखो तो इसके इनपुट क्या क्या है, एक तो है ए एक्सोर बी इंटू सी का बार, और एक है आपका सी।
तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर और होल बार, ठीक है। तो हमने यहां पर सारे के सारे इंटरमीडिएट स्टेप लिख दिए हैं। इसके बाद जो हमारा मेन टास्क अब होगा वो यहां पर यह होगा कि बोरो का इक्वेशन हम कैसे लिख पाएंगे। जो हमारा सम है, जो हमारा डिफरेंस है बेसिकली, वो क्या है, ए एक्स और बी एक्स और सी, जो आपकी बोरो है ए एक्स और बी इंटू सी प्लस ए बार बी। तो बोरो का इक्वेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट स्टेप से ही आपको बोरो मिल जाएगी, ठीक है। तो बोरो का इक्वेशन कोई बता सकता है कि कौन कौन से टर्म्स हमें लेने चाहिए, कौन कौन से इंटरमीडिएट स्टेप हमें लेने चाहिए जिससे हमें बोरो का इक्वेशन मिल जाए। अगर आपको फुल एडर याद होगा तो आप काफी इजीली बता पाओगे या ट्राई कर सकोगे। अगर आपको फुल एडर याद होगा, फुल एडर को भी हम लोगों ने टू इनपुट नैंड गेट से रिलाइज किया था। तो कोई बता सकता है यहां पर कि बोरो के लिए हमें कौन कौन से टर्म्स लेने पड़ेंगे फिगर से। ऑब्वियसली बात है, बोरो का इक्वेशन तो यही है, सी इंटू ए एक्स नॉर बी प्लस ए बार बी। ठीक है, देखो फिर यहां पर कल अगर आपको याद हो हाफ सब्ट्रैक्टर, तो हाफ सब्ट्रैक्टर में जो ए बार बी मिला था हमें यहां से मिला था, जब हमने बी इंटू ए बी के बार को सॉल्व किया था तो हमें क्या मिल गया था, ए बार बी, जब हमने नैंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिविजन करवाता हूं। देखिए, जब हम लोगों ने हाफ एडर पढ़ा था, अगर आपको अच्छे से याद हो, जब हम लोगों ने हाफ एडर पढ़ा था तो हाफ एडर के लिए जो कैरी थी हमें यहां से मिली थी ए बी के बार से, ठीक है। जब हमने फुल एडर स्टडी किया था तो फुल एडर के लिए हमें दो टर्म्स चाहिए थे फिगर से कैरी बनाने के लिए। तो एक टर्म हमें सेम प्लेस से मिला था ए बी के बार से, और एक टर्म हमें मिला था ए एक्स और बी इंटू सी के होल बार से, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेज में जहां से हमें एक टर्म मिला था, सेकेंड स्टेज में भी सेम प्लेस से हमें वो टर्म मिला था। तो एक हिंट है आपके लिए, जैसा मैंने आपको बोला, प्रैक्टिस करते करते हमें ट्रिक समझ में आ जाती है कि हमें करना क्या चाहिए। तो यहां पर देखो, हाफ सब्ट्रैक्टर में हमें इस पोजीशन से बोरो के लिए टर्म मिला था, तो इसका मतलब फुल सब्ट्रैक्टर के लिए जब आपको दो टर्म चाहिए तो एक पोजीशन तो आपकी सेम रहेगी और सेकेंड सेम प्लेस से आपको सेकेंड स्टेज से सेकेंड टर्म मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों टर्म को जैसा हमने फुल एडर में किया था नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें कि क्या हमें बोरो का इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं इन दोनों टर्म के लिए। तो एक बार हम ये दो टर्म लेके नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो नैंड का काम क्या होता है, दो इनपुट को मल्टीप्लाई करना और होल बार करना, ठीक है। तो हमने यहां पर ये दो इनपुट लिए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करके होल बार कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है डी मॉर्गन थ्योरम से, जब होल बार को ओपन करेंगे तो इंडिविजुअल का क्या होगा, बार, और जो डॉट साइन है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्लस पे। तो चूंकि यहां पर ऑलरेडी बार है तो बार का बार क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचेगा आपका, बी इंटू ए बी का बार प्लस ए एक्स और बी इंटू सी का बार इंटू सी, ठीक है। तो यहां पर आपका बार का बार दोनों में कैंसल हो गया और डॉट जो है वो प्लस पे कन्वर्ट हो गया। नाउ इसके आगे जो ए बी का होल बार है इसको भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, अगेन डी मॉर्गन। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस ए एक्स और बी इंटू सी का जो होल बार है इसको भी हम क्या लगा सकते हैं, फिर से डी मॉर्गन। तो ए एक्स और बी का बार, ठीक है, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस सी का बार, और इन दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाइड है आपका, स्मॉल सी, आप देख सकते हो। नाउ बी इंटू ए का बार क्या हो जाएगा, ये ए बार बी, बी इंटू बी का बार
हमने पढ़ रखा है बी इंटू बी का बार क्या होता है, जीरो। नाउ ए एक्सोर बी का बार हमने जब एक्सोर गेट पढ़ा था तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि टू इनपुट्स के लिए एक्सोर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, एक्स नॉर। ठीक है, टू इनपुट्स के लिए एक्सोर और एक्स नॉर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो ए एक्सोर बी क्या हो जाएगा, ए एक्सोर बी, और बाहर किससे मल्टीप्लाइड है, सी से। नाउ लास्ट सी इंटू सी बार कितना होगा, जीरो। तो आप देख सकते हो जो फाइनल इक्वेशन निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है आपका, a बार b प्लस ए एक्स नॉर बी इंटू सी, जो कि एग्जैक्टली सेम है बोरो के इक्वेशन से। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने इतना बड़ा क्वेश्चन किया, आपको इस क्वेश्चन को ब्रेक कर करके सोचना है। एक तो आपने रियलाइज कर लिया टू इनपुट नैंड गेट से, एट लास्ट आपने मिनिमाइजेशन टेक्निक वापस से रिवाइज किया जो आपने पहली क्लास में स्टडी की थी, तो एक साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए यहां पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। इस मिनिमाइजेशन में किसी को भी कोई डाउट है, डाउट आप लोग चेक कर लो। और जो एक पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नोट कर सकते हो वो क्या है कि टू इनपुट नैंड गेट कितने चाहिए आपको फुल सबट्रैक्टर को रियलाइज करने के लिए, 9। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड फुल एंड फाइनल 9। ठीक है, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप मीन्स लास्ट लाइन। ओके, क्लियर, ठीक है। तो सबको अच्छे से क्लियर है पॉइंट। तो 9 हमें टू इनपुट नैंड गेट चाहिए फॉर फुल सबट्रैक्टर रियलाइजेशन। तो इसको एक बार और करके देखो आप लोग, अगर कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो उस पॉइंट को। ये हमारा फिनिश होता है फुल सबट्रैक्टर। तो बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने स्टार्ट किया था आज से 2 से 3 क्लास पहले, जिसमें हम लोगों ने कंपैरेटर स्टडी कर लिया है, एडर स्टडी कर लिए हैं और सबट्रैक्टर स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे अब, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। जो मल्टीप्लेक्सर हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी एग्जाम के लिए आप कोई भी एग्जाम दो जिसमें डिजिटल लॉजिक आता हो, मल्टीप्लेक्सर से आप एवरी ईयर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मल्टीप्लेक्सर हो गया और एक काउंटर हो गया जो आप सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़ते हो, ये दो टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली है क्या, यहां पर अगर मैं मल्टीप्लेक्सर की बात करता हूं तो मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे आपके इनपुट्स होते हैं और एक सिंगल आपका आउटपुट होता है। जैसे अगर सपोज करो मैं 4x1 बना लूं तो 4 आपके इनपुट होंगे और एक सिंगल आपका आउटपुट होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली मल्टीप्लेक्सर में होता क्या है, इनपुट लाइंस आपकी एक से ज्यादा आपको दिखाई देंगी, उनमें से एक इनपुट लाइन को सेलेक्ट करके आपको आउटपुट में प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सर बेसिकली डेटा सेलेक्टर भी कहलाता है। डेटा सेलेक्टर मींस इट विल सेलेक्ट द वन इनपुट डेटा आउट ऑफ द मैनी इनपुट डेटा एंड प्रेजेंट एट द आउटपुट। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सेलेक्टर। क्लियर, सो यहां पर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा इनपुट आउटपुट में जाने वाला है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट लाइन, इसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट लाइन। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहां पर 2x1 का, तो यहां पर आपके दो इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए यह होगी कि कितनी सेलेक्ट लाइन हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आपको आउट ऑफ 4 इनपुट में से सेलेक्ट करना है कि किस इनपुट को भेजा जाए, तो ऑब्वियसली बात है आपको 4 कॉम्बिनेशन चाहिए होंगे। तो 4 कॉम्बिनेशन आप दो वेरिएबल से जनरेट कर सकते हो, तो 4x2 सेलेक्ट लाइंस। बेसिकली अगर आपको 2 इनपुट्स में से चेक करना है कि किस इनपुट को आउटपुट में भेजा जाए,
तो आपको दो कॉम्बिनेशन चाहिए और दो कॉम्बिनेशन एक वेरिएबल से जनरेट किया जा सकता है, जीरो या वन। अगर आपके एट इनपुट है तो थ्री सेलेक्ट लाइन चाहिए, 16 इनपुट है तो फोर सेलेक्ट लाइन चाहिए। बेसिकली सेलेक्ट लाइन और इनपुट में क्या रिलेशन होगा, टू की पावर सेलेक्ट लाइन विल बी इक्वल टू इनपुट, मीन्स टू की पावर टू, टू सेलेक्ट लाइन है टू की पावर टू, कितने इनपुट है फोर। वन सेलेक्ट लाइन है टू की पावर वन, कितने इनपुट है टू। क्लियर है अच्छे से। एक और पॉइंट, जो मल्टीप्लेक्सर आपका होता है, यहां पर आप देख सकते हो कि इनपुट आपके बहुत सारे हैं और आपका आउटपुट क्या है, सिर्फ एक। तो जब आपके बहुत सारे इनपुट्स होते हैं या बहुत सारी लाइंस होती हैं तो उसे जनरली हम बोलते हैं पैरेलल, एंड जब एक सिंगल लाइन होती है उसे हम जनरली बोलते हैं सीरियल। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर को आप पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी बोलते हो, ठीक है। जब आपकी मोर देन वन लाइन होंगी दैट इज कॉल्ड पैरेलल, व्हेन देयर इज ओनली वन लाइन देन इट इज कॉल्ड सीरियल। तो मल्टीप्लेक्सर को आप पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी बोलते हो। तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली आपका डेटा सेलेक्टर कहलाता है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी कहलाता है। नाउ यहां पर मल्टीप्लेक्सर के ये एग्जांपल से टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो पहले मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं यहां पर एक ट्रुथ टेबल बनाता हूं दो वेरिएबल का, ठीक है, ये कोई मल्टीप्लेक्सर का पार्ट नहीं है लेकिन मल्टीप्लेक्सर में इससे रिलेटेड कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर करवा रहा हूं। दो वेरिएबल है ए और बी, ट्रुथ टेबल हम बना रहे हैं, ए और बी दो इनपुट्स के लिए हमने आउटपुट लिखा है। आउटपुट मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया, 0101। मैं अगर आपको बोलूं कि एसओपी फॉर्म में वाई का इक्वेशन हम लोग लिखें तो एसओपी फॉर्म में हम क्या देखते हैं, जहां जहां वन होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो आप देखो यहां पर वन है तो क्या लिखोगे, ए बार बी। फिर आप देखो यहां पर नीचे वन है तो क्या लिखोगे आप, ए इंटू बी, ठीक है। ये काम हम पहली क्लास से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यहां पर मैं अगर एक इनपुट ले लूं पी, सॉरी एक आउटपुट अगर ले लूं पी, ठीक है ना, मेरा आउटपुट क्या था 0101, तो एसओपी फॉर्म में हमने बहुत इजीली लिख लिया। लेकिन अब सपोज करो मेरा आउटपुट है 010p, जहां पी ए आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, पी इज वेरिएबल। तो अब हम कैसे लिखेंगे वाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में आप देखोगे कि आपका जो आउटपुट है ट्रुथ टेबल में वो भी वेरिएबल के फॉर्म में होगा। तो हम ट्रुथ टेबल का यूज करके आउटपुट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये हमें पहले से ही अंडरस्टैंड करना है। तो ध्यान से देखो, जब यहां पर आपका जीरो था या जब यहां पर आपका वन था, कुछ भी ले सकते हो आप, जीरो या वन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने आउटपुट कैसे लिखा था। एक्चुअल में जो आप आउटपुट लिखते हो ना वो मैं आपको क्लियर कराता हूं। अब देखो एसओपी फॉर्म में जब भी लिखना होता है ना, आप सारे के सारे इनपुट कॉम्बिनेशन यूज करते हो। बेसिकली पहला क्या है, 00, तो 00 मीन्स क्या होता है, ए बार बी बार, और आप क्या करते हो करस्पॉन्डिंग आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हो। करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या था, जीरो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका, ए बार बी, करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है आपका, वन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ए बी बार, करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है आपका, जीरो। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका, ए इंटू बी, और करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है आपका, वन। तो ये काम आप करते हो एसओपी फॉर्म में। तो होता क्या है, बेसिकली जो जो टर्म आपके जीरो से मल्टीप्लाई होते हैं वो टर्म आपके जीरो हो जाते हैं, और जो टर्म वन से मल्टीप्लाई होते हैं वो टर्म आपको एज इट इज मिल जाते हैं। इसलिए जो आपको आंसर मिलता है वो मिलता है ए बार बी प्लस ए बी, जो आप डायरेक्ट लिख लेते हो। एग्जाम में हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें आंसर डायरेक्ट लिखना है। एसओपी फॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां वन है वो आंसर लिखो, जहां जीरो है वो आंसर मत लिखो। तो ये एनालिसिस करने से हमें फायदा क्या मिला,
हमें फायदा यह मिला कि इनपुट जो है ना ए और बी या कोई भी इनपुट हो उसे हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में लिखो। जैसे ए और बी जीरो जीरो है तो क्या लिखोगे, ए बार बी बार इनटू करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ठीक है। तो अब अगर यहां पर करस्पॉन्डिंग आउटपुट पी होता, करस्पॉन्डिंग आउटपुट अगर पी होता तो आपको पता है एसओपी फॉर्म में लिखना है तो जीरो वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, वन वाले को अगर देखते हो तो ए बार बी इंटू वन, ए इंटू बी इंटू पी, क्योंकि आपको क्या करना है इनपुट को वेरिएबल फॉर्म में लिखना है इंटू करस्पॉन्डिंग आउटपुट, करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो होगा उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर क्या हो जाता, ए बी इंटू पी, और यहां पर आंसर क्या आ जाता, ए बार बी प्लस ए बी पी, ठीक है। तो जब भी आपका आउटपुट वेरिएबल के फॉर्म में होगा आप ये अप्रोच यूज करोगे आउटपुट लिखने के लिए। सबको क्लियर है अच्छे से, क्योंकि ये आपका भी यूज होने वाला है मल्टीप्लेक्सर टॉपिक में। नाउ यहां पर हम स्टार्ट करेंगे 2x1 मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर बोर्ड में आपके सामने बना हुआ है, दो इनपुट्स हैं, वन सिंगल आउटपुट है। तो इनपुट्स में क्या क्या ले रहा हूं, आई जीरो आई वन, आउटपुट वाई ले रहा हूं, एस क्या है आपकी सेलेक्ट लाइन। तो जो आपका ट्रुथ टेबल बनता है इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर वो हमेशा बनता है सेलेक्ट लाइन वर्सेस आउटपुट के बीच में, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लेक्सर में जो ट्रुथ टेबल बनाना होगा वो ऑलवेज सेलेक्ट लाइन और आउटपुट के बीच में आपको बनाना होगा। यहां पर चूंकि 2x1 मल्टीप्लेक्सर था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलेक्ट लाइन होगी, तो सेलेक्ट लाइन सिर्फ एक ही है इसलिए या तो जीरो होगी या तो वन होगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जो एक टाइम पे एक इनपुट को आउटपुट में प्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैं ये लेके चल रहा हूं कि जब जीरो होगा सेलेक्ट लाइन तो जो आई जीरो है वो जाएगा आउटपुट में। तो जब सेलेक्ट लाइन जीरो होगी आउटपुट को क्या मिल जाएगा, आई जीरो। जब सेलेक्ट लाइन वन होगी तो आउटपुट को क्या मिल जाएगा, आई वन। तो आउटपुट को कोई एक इनपुट ही मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, समझ लो। आपको दो में से, दो चॉइस में से एक चॉइस सेलेक्ट करना है तो आप कॉइन टॉस कर लो, हेड आया तो आई जीरो जाएगा, टेल आया तो आई वन जाएगा, वही काम तो है बस सेलेक्ट लाइन का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला भी था कि जो आपका आउटपुट है ना हर एक मल्टीप्लेक्सर में वो वेरिएबल फॉर्मेट में होगा। आप देख लो आपका आउटपुट आई जीरो आई वन है, आपका आउटपुट जीरो या वन नहीं है। तो जो मैंने आपको भी लिखना सिखाया है कि जब आउटपुट वेरिएबल फॉर्म में हो तो आपको किस तरीके से लिखना होगा इक्वेशन, तो कोई बता सकता है कि वाई का इक्वेशन हम क्या लिखें। अब आपको सिर्फ ये देखना है ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में एस आपका इनपुट है, वाई आपका आउटपुट है, ठीक है। आपको वाई का इक्वेशन लिखना है, वैसे एस आपका सेलेक्ट लाइन है लेकिन ट्रुथ टेबल के हिसाब से एस क्या है, अब आपका इनपुट है। तो ट्रुथ टेबल का इनपुट एस है और ट्रुथ टेबल का आउटपुट जो है वो वाई है। यहां पर रॉन्ग, एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा है लेकिन रॉन्ग है। आपने जो नोट किया होगा, जो मैंने आपको भी सिखाया है ए बी और वाई का एग्जांपल लेके, मैंने क्या बोला था, इनपुट कॉम्बिनेशन हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में होने चाहिए और एज इट इज आपको करस्पॉन्डिंग आउटपुट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए बताओ, देखो इनपुट क्या होना चाहिए वेरिएबल के फॉर्म में, तो देखो इनपुट क्या है एस, तो यहां पर एस क्या है जीरो, तो क्या लिखोगे एस का बार इनटू करस्पॉन्डिंग आउटपुट, तो क्या आएगा एस बार इनटू आई नॉट प्लस, अब एस क्या है आपका वन है इनटू करस्पॉन्डिंग आउटपुट, एस वन है मतलब क्या लिखोगे एस, तो क्या बन जाएगा एस इंटू आई वन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका एस बार इंटू आई नॉट एस इंटू आई वन, जैसा हम वहां पर करते थे ए बी और वाई था,
तो ए बी जब 0-0 था तो हम क्या लिखते थे, ए बार बी बार इन टू करस्पॉन्डिंग आउटपुट। सेम हमें यहां पर करना है, एस 0 है तो क्या लिखोगे, एस बार इन टू करस्पॉन्डिंग आउटपुट। करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है हमारा, आई नॉट है, दैट्स इट। तो एस बार इन टू आई नॉट प्लस एस इन टू आई वन। सबको क्लियर है कंसेप्ट, क्योंकि बस आपको एक बार लर्न करना है। अगर आप एक बार लर्न कर जाओगे तो फिर चाहे 4 क्रॉस 1 हो चाहे 256 क्रॉस 1 हो, आप आंसर लिख पाओगे। क्लियर है अच्छे से। नाउ यहां पर हमारा टास्क क्या होगा मल्टीप्लेक्सर में, जैसा मैंने आपको बोला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें क्या करना है, 2 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1 सबका डिटेल्ड में एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे 2 क्रॉस 1 का। तो 2 क्रॉस 1 का बेसिक इक्वेशन तो हमने नोट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे 2 क्रॉस 1 एज अ यूनिवर्सल एलिमेंट। अगर आपको याद हो कुछ क्लासेस पहले हम लोगों ने नैंड और नॉर भी एज अ यूनिवर्सल एलिमेंट पढ़ा था। तब नैंड और नॉर में हमने क्या स्टडी किया था कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर का यूज करके आप बाकी सारे लॉजिक गेट्स क्या कर सकते हो, रियलाइज। उसी तरीके से 2 क्रॉस 1 मक्स का यूज करके भी हम बाकी के सारे लॉजिक गेट्स या जितने लॉजिक गेट्स होते हैं उनको हम रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान से देखो, हम 2 क्रॉस 1 का यूज करेंगे और 1 बाय 1 सारे के सारे लॉजिक गेट्स हम क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉजिक गेट होगा हमारा, फर्स्ट लॉजिक गेट होगा दैट विल बी नॉट गेट। तो नॉट गेट में आपको पता है कि नॉट गेट में आपका टारगेट क्या होता है, ए से ए बार बनाना। यह हमें पता है कि नॉट गेट से हम क्या अचीव कर सकते हैं, ए से ए बार। क्लियर, तो बेसिकली देखो आपके पास 2 क्रॉस 1 मक्स है, आपको 2 क्रॉस 1 मक्स को इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, आपको 2 क्रॉस 1 को इस तरीके से यूज करना है कि उससे आपका नॉट गेट रियलाइज हो जाए। दैट मींस जो आपका वाई है वो आपका ए बार हो जाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका क्या है, 2 क्रॉस 1 मक्स एज अ यूनिवर्सल एलिमेंट। तो यहां पर रियलाइज करने का मतलब है कि जो आपका आउटपुट है ना वो आ जाए ए बार। ठीक है, आपका आउटपुट आ जाए ए बार। बिल्कुल आप ये भी बोल सकते हो रियलाइजेशन ऑफ एवरी गेट यूजिंग 2 क्रॉस 1 मक्स। ठीक है, तो आपका आउटपुट ए बार लाना है आपको। तो पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो, सेलेक्ट लाइन का काम क्या है, इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट में भेजना। तो मुझे बताओ सेलेक्ट लाइन कांस्टेंट होनी चाहिए कि वेरिएबल होनी चाहिए, पहले इस पॉइंट का आंसर करो कि सेलेक्ट लाइन को कांस्टेंट होना चाहिए कि वेरिएबल। जिसको भी क्लियर है वो आंसर करो, सेलेक्ट लाइन को वेरिएबल होना चाहिए कि कांस्टेंट। ओके, सेलेक्ट लाइन को कांस्टेंट लोगे है ना, इसका मतलब सेलेक्ट लाइन को आप हमेशा 0 लोगे तो इसका मतलब हमेशा आई नॉट ही जाएगा, या सेलेक्ट लाइन को हमेशा 1 लोगे तो हमेशा क्या जाएगा, आई 1 ही जाएगा। ये जो आपने ट्रूथ टेबल बनाया है उसमें आपने क्या लिया है, सेलेक्ट लाइन को कांस्टेंट लिया हुआ है। अगर सेलेक्ट लाइन को आप कांस्टेंट ले लोगे, सेलेक्ट लाइन को अगर कांस्टेंट ले लोगे तो हमेशा एक पर्टिकुलर इनपुट ही आउटपुट में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेलेक्ट लाइन को हमेशा वेरिएबल ही लेना है। सेलेक्ट लाइन का काम ही यही है कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहे और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट जो है वो आउटपुट में जाए। तो सेलेक्ट लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। ये काफी इजी है समझने के लिए। ठीक है, तो सेलेक्ट लाइन हमेशा अगर वेरिएबल होनी चाहिए तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपका जो टारगेट है वो है ए से ए बार बनाना। इसका मतलब नॉट गेट के टाइम पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, और अगर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो वेरिएबल आपको हर हाल में सेलेक्ट लाइन को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्ट लाइन हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल। आप इसी स्टैंडर्ड के साथ ही मल्टीप्लेक्सर का यूज करोगे कि सेलेक्ट लाइन शुड बी वेरिएबल। ये बात ध्यान रखना है आपको स्टार्ट से। अब
चूंकि हमें ये टॉपिक लर्न करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले से आपको बता दूं, जिससे आपको किसी भी लॉजिक गेट को रियलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी एक्सप्रेशन को हम मार्क्स के थ्रू किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को भी रियलाइज कर सकते हैं, तो आपको किसी भी एक्सप्रेशन को रियलाइज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर वन, सेलेक्ट लाइन शुड बी वेरिएबल, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जो वेरिएबल आपने सेलेक्ट लाइन में यूज कर लिया होगा, जो वेरिएबल आप सेलेक्ट लाइन में यूज कर लोगे वो वेरिएबल कभी आप इनपुट में यूज नहीं करोगे। आपको देखो वाई तो आपको चाहिए होता है, आपको इक्वेशन वाई का ही गिवन होता है कि ये आउटपुट आप लाकर दिखाओ। आपको डिसाइड क्या क्या करना होता है, सेलेक्ट लाइन डिसाइड करना होता है और इनपुट डिसाइड करने होते हैं। अगर आप इस एग्जांपल की बात करो तो आपको आई नॉट, आई वन और एस डिसाइड करना था कि क्या क्या लें। तो मैंने आपको क्या बोला, सेलेक्ट लाइन हमेशा वेरिएबल होनी चाहिए। और सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि सेलेक्ट लाइन में जो वेरिएबल आप यूज कर लोगे उस वेरिएबल को आप इनपुट में कभी भी यूज नहीं करोगे। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपने यहां पर वेरिएबल ए को सेलेक्ट लाइन में यूज कर लिया तो आपके पास तो एक ही वेरिएबल था, तो उसे तो आपने सेलेक्ट लाइन में यूज कर लिया, अब इनपुट में क्या यूज करें? तो जब इनपुट में कोई वेरिएबल यूज करने के लिए नहीं बचेगा देन आपको इनपुट में यूज करना होता है कॉन्स्टेंट, मतलब जीरो या वन। तो अब आप मुझे बताओ इस इक्वेशन को देखते हुए जो 2x1 के आउटपुट का इक्वेशन है कि आई नॉट और आई वन को मैं क्या क्या लूं जिससे आपका जो वाई है वो ए बार आ जाए, कोई बता सकता है कि आई नॉट और आई वन को हम क्या लें जिससे हमारा वाई जो है वो ए बार आ जाए? ये इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है 2x1 मक्स का, आप देख सकते हो। आपने एस को ऑलरेडी ए ले लिया है, एस को आपने ऑलरेडी ए ले लिया है, ठीक है? तो अब आई नॉट आई वन को क्या लें? आई नॉट को वन और आई वन को क्या लें? जीरो। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो आप, अगर आप आई नॉट को वन ले लो और आई वन को जीरो ले लो तो क्या होगा, चेक करो। एस को आपने क्या लिया है? ए। तो इक्वेशन क्या है आपका? एस बार आई नॉट, मतलब ए बार इंटू आई नॉट प्लस एस इंटू आई वन, मतलब प्लस ए इंटू आई वन। तो देखो आपका टारगेट था कि आपको ए बार चाहिए था, तो ए बार के साथ इंटू वन कर दो और ए के साथ इंटू जीरो कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो आई नॉट को वन लेना चाहिए और आई वन को जीरो। अब एक बात और सुनो मेरी, ध्यान से देखो, क्लास में आप जितना भी स्लो पढ़ लो, क्लास में आप जितना भी ज्यादा ऐसे इक्वेशन लिख लिख के आंसर बना लो, लेकिन एग्जाम में टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है। तो एग्जाम में आपको ये सब इक्वेशन लिख के टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल भी। एग्जाम में क्या करना है? 2x1 मार्क्स है। देखो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में याद रखो, बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में, जो सेलेक्ट लाइन है, सेलेक्ट लाइन का बार इंटू ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन? आई नॉट प्लस सेलेक्ट लाइन इंटू नीचे वाला, सेलेक्ट लाइन नॉर्मल फॉर्म में इंटू नीचे वाला, मतलब आई वन, यही तो हो रहा है ना? तो सिंपली आपने सेलेक्ट लाइन को लिया ए, तो ए का बार इंटू ऊपर वाला, मतलब ए का बार आपको चाहिए था तो ए बार इंटू वन, मतलब ऊपर वाले को क्या दे दे? वन दे दो, प्लस ए इंटू नीचे वाला, ए इंटू आई वन, तो ए नहीं चाहिए था तो नीचे वाले को क्या दे दो? जीरो दे दो, ठीक है? नाउ सेकेंड अगर मैं बात करूं एंड गेट की, तो यहां पर सपोज करो अगर मैं टू वेरिएबल एंड गेट ले रहा हूं, टू इनपुट एंड गेट ले रहा हूं, जहां पर मेरा टारगेट है कि मुझे ए कॉमा बी का यूज करके ए बी बनाना है। हमें पता ही है कि एंड गेट दो इनपुट का मल्टीप्लीकेशन करता है, तो ध्यान से अब देखो, वापस से हम 2x1 मार्क्स यूज करेंगे, आई नॉट आई वन। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, ये हमें क्लियर है कि हमें आउटपुट में ए इंटू बी चाहिए, ठीक है?
अब यहां पर समझो, मैंने आपको क्या बोला कि सेलेक्ट लाइन हमेशा वेरिएबल होनी चाहिए। आप 2x1 marks यूज कर रहे हो, तो 2x1 marks में एक सेलेक्ट लाइन होती है, तो आप उसे एक वेरिएबल दे दो। लेकिन जो आपको इक्वेशन रियलाइज करना है, ठीक है ना, एंड ऑपरेशन भी क्या है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन ही तो है, और क्या है। तो जो एक्सप्रेशन रियलाइज करना है उसमें टोटल दो वेरिएबल है, ए और बी। तो आपने एक वेरिएबल को तो सेलेक्ट लाइन में इस्तेमाल कर लिया, अब दूसरा वेरिएबल आपके पास बचा हुआ है। दूसरा वेरिएबल कौन सा बचा हुआ है, बी। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इनपुट में बी भी यूज कर सकते हो और कॉन्स्टेंट भी यूज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है अब, ठीक है। मींस कॉन्स्टेंट आप हमेशा यूज कर सकते हो, कॉन्स्टेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल तभी यूज कर सकते हो जब वेरिएबल अवेलेबल हो। जैसा मैंने आपको पहले बोला, सेलेक्ट लाइन में जब आप कोई वेरिएबल यूज कर लोगे तो उसको इनपुट में इस्तेमाल नहीं करोगे। तो यहां पर आपने सेलेक्ट लाइन में ए यूज कर लिया है तो उसको इनपुट में नहीं यूज कर सकते, लेकिन बी को यूज कर सकते हो और कॉन्स्टेंट भी यूज कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। आई नॉट की वैल्यू क्या यूज करना चाहिए, जीरो। आई वन की वैल्यू क्या यूज करना चाहिए, बी। बिल्कुल देखो, बच्चों वाला प्रोसेस यूज करो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, सेलेक्ट लाइन का बार, ए बार इंटू ऊपर वाला। तो क्या ए इंटू बी में ए बार चाहिए था हमें, नहीं। मीन्स ऊपर वाले को क्या कर दो, जीरो, प्लस ए सेलेक्ट लाइन नॉर्मल फॉर्म में इंटू नीचे वाला। तो ए ए चाहिए था हमें, हमें ए बी चाहिए था, ए बी में ए आता है, तो नीचे वाले इनपुट को क्या कर दो, बी कर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, थर्ड आप लोग पहले रियलाइज करो नॉर ऑपरेशन। नॉर ऑपरेशन क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, ये होता है हमारा नॉर ऑपरेशन। अब एक बात को समझो यहां पर थोड़ा सा, कि जो आपको 2x1 से आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, वो आपको मिल सकता है दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फिर प्लस अगेन दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन। आप चाहो तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट ले लो, तो एक वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल भी मिल सकता है, लेकिन कभी भी ना होल बार नहीं मिलता। आप इस इक्वेशन में देख लो, आपको होल बार नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि जो 2x1 marks से आउटपुट मिल ही नहीं सकता, पहले उस चीज को चेंज कर लेते हैं। ए प्लस बी का बार है, आप देख सकते हो कभी भी ए होल बार नहीं मिल सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले होल बार को ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार तो मिल सकता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो आप बताओ क्या क्या लेना चाहिए, आई नॉट और आई वन को क्या क्या लेना चाहिए हमें, आई नॉट और आई वन को। I नॉट को क्या ले और I1 को क्या ले, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये जस्ट 10 सेकेंड का आंसर था। क्या टारगेट है हमारा, A बार इंटू बी बार, तो I नॉट को क्या ले, B बार, और I1 को क्या ले, जीरो। वेरी गुड। तो क्या बोला था मैं आपको कि सेलेक्ट लाइन को कॉम्प्लीमेंट करो, तो ए बार आएगा, इनटू मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, मतलब आई नॉट से। तो क्या ए बार चाहिए था हमें, यस चाहिए। ए बार के साथ क्या चाहिए था, बी बार, मतलब आई नॉट को क्या कर दो, बी बार कर दो, प्लस सेलेक्ट लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लो, इनटू मल्टीप्लाई करो नीचे वाले के साथ, मतलब आई वन के साथ। तो क्या ए चाहिए था हमें इक्वेशन में, नहीं चाहिए था, तो क्या कर दो, जीरो कर दो, दैट्स इट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बार बी बार, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिनको क्लियर हो गया होगा उनको लग भी रहा होगा इतनी बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जिनको क्लियर नहीं हुआ है फिर से सुन लो अच्छे से। सेलेक्ट लाइन को एक बार कॉम्प्लीमेंट करो और आई नॉट दैट मीन्स ऊपर वाले इनपुट से मल्टीप्लाई करो, प्लस सेलेक्ट लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लो और नीचे वाले मतलब आई वन से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं और ऑपरेशन की, तो और ऑपरेशन हमारा क्या होता है, ए प्लस बी। सॉल्व करो, किसी को समझ में आता है तो आंसर बताओ। और ऑपरेशन मींस ए प्लस बी, तो हमें कौन कौन सा इनपुट देना चाहिए आई नॉट और आई वन को, कौन कौन सी वैल्यू हमें देनी चाहिए I नॉट और I वन में। कोई बता सकता है जिससे हमारा जो आंसर है वो आ जाए A प्लस बी। सेलेक्ट लाइन मैंने A ले ली है ऑलरेडी, तो क्या लेना चाहिए हमें I नॉट को। देखो यहां पर एक पॉइंट आपके लिए डिफिकल्ट ये हो सकता है कि ए प्लस बी, नो आपको यहां पर एक ही मक्स यूज करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम कहां हो रही होगी। देखो होता क्या है कि आपको पता होता है सेलेक्ट लाइन को कॉम्प्लीमेंट करना है इनटू ऊपर वाले से करना है, ठीक है। तो आपको यह लग रहा होगा कि दो वेरिएबल का एक साथ मल्टीप्लाई करना तो इजी है, लेकिन दोनों वेरिएबल को अलग अलग ऐड करना कैसे करें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर रीजन क्या था मेरा नॉर गेट को पहले कराने का, वो यही था। क्या होता है ना कि अगर डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में ना आ रहा हो जिस फॉर्मेट में हमें आंसर चाहिए तो हम नहीं समझ पाते हैं चीजों को, तो वही चीजें होती है प्रैक्टिस। तो हमने क्या है ना बहुत बार ये अंडरस्टैंड किया हुआ है कि आप अगर और गेट बना लोगे तो नॉर गेट कॉम्प्लीमेंट करके बन जाता है। जैसे हमने टू इनपुट नैंड गेट में किया था, हमने नैंड गेट से पहले और बनाया था और का कॉम्प्लीमेंट करके क्या बना लिया था नॉर। तो बस यहां पर भी वैसा ही कुछ लॉजिक लगाने की हम कोशिश करते हैं कि हमने पहले नॉर बना लिया जो इजी था, अब जो नॉर में इनपुट्स दिए थे ना उसका एक बार कॉम्प्लीमेंट करके देखो क्या और आ जाता है। एक बार चेक करो, जो नॉर में जो आपने इनपुट दिए थे उनका कॉम्प्लीमेंट करो, देखो और आता है क्या। मतलब आई नॉट को बी देके देखो और आई वन को वन देके देखो, क्या सॉल्व करने पर और ऑपरेशन आ रहा है। देखो ये आपको क्लिक भी करेगा एग्जाम में, जब आप क्लास अच्छे से कर लोगे और नोट्स का अच्छे से रिविजन कर लोगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, तो ऑटोमेटिक आपको क्लिक करेगा कि नॉर हम लोगों ने बना लिया। नॉर और में कुछ तो रिलेशन होता है हमें पता है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे और ऑपरेशन के लिए तो क्या सिखाया हूं आपको, ए बार सेलेक्ट लाइन का बार इनटू ऊपर वाला, मतलब क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस सेलेक्ट लाइन नॉर्मल फॉर्म में इंटू नीचे वाला, मतलब क्या हो जाएगा ए इंटू वन। अब अगर आपको याद हो तो ये थ्योरम हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, दिस थ्योरम इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ये क्या होता है आपका वन प्लस टू का फॉर्म, क्या लिखते हैं वन प्लस सेकेंड इंटू वन प्लस थर्ड, तो ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस बी, क्योंकि a प्लस ए बार कितना होता है आपका वन होता है। तो आप देख सकते हो आपका आंसर आ गया a प्लस बी, ठीक है। तो कभी कभी जब चीजें डायरेक्ट ना हो रही हो, ऐसा होगा, ऐसा आपके साथ भी होगा, ऐसा मेरे साथ भी होगा किसी ना किसी क्वेश्चन में जहां पर डायरेक्ट चीजें ना बन रही हो, तो हमें फिर कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीका सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो हमने पहले नॉर का लिखा, नॉर काम से बड़े आराम से हो गया ए बार बी बार,
उसके बाद हमने सोचा कि नॉर और में क्या रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट का होता है, तो हमने एक बार इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करके देखा और हमें सॉल्व करने पर और मिल गया। क्लियर है अच्छे से? अब आप समझ गए हो अगर, तो नैंड के लिए, नैंड मतलब क्या होता है, ए बी का होल बार, तो नैंड के लिए अगर लॉजिक समझ गए हो तो आप क्या करोगे, एंड के इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एंड के इनपुट आपके क्या क्या थे, जीरो और बी, तो आप क्या रख दोगे, वन और बी बार। तो अब अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, ए बार इंटू वन प्लस ए इंटू बी बार। अगेन कौन सा थ्योरम है, ट्रांसपोजिशन, तो क्या लिखोगे, ए बार प्लस ए, ए बार प्लस बी बार। तो ए बार प्लस ए कितना होता है, वन। ए बार प्लस बी बार को क्या लिख सकते हो, ए बी का होल बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बस यही माइंड में रखो, नैंड का आता है तो नॉर का भी, नैंड का आता है तो एंड का भी आता है, और का आता है तो नॉर का भी आता है। सिमिलरली अगर एक्सॉर का आता है तो एक्स नॉर का भी आता है, ठीक है। कोई एक्सॉर का करके बता सकता है, एक्सॉर का, जिनका यहां तक हो गया है वो एक बार एक्सॉर के लिए ट्राई करो। एक्सॉर का इक्वेशन याद है सबको, टू वेरिएबल का, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो जिनका हो गया है यहां तक वो एक्सॉर ऑपरेशन ट्राई करो और मुझे बताओ आई नॉट और आई वन को क्या क्या देना चाहिए एक्सॉर के लिए। एक्सॉर के लिए आई नॉट और आई वन को, एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो आई नॉट और आई वन हम क्या क्या दें, आई नॉट को बी बार, रॉन्ग। सोचो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, ए बार बी प्लस ए बी बार जनरेट करना है। यस, बी और बी बार देना होगा आपको, बी और बी बार, वेरी गुड। क्यों, देखो इसी लाइन को मैं अब टेंथ टाइम रिपीट कर रहा हूं, क्यों रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सेलेक्ट लाइन को कॉम्प्लीमेंट करो, सेलेक्ट लाइन को कॉम्प्लीमेंट करो और मल्टीप्लाई करो आई नॉट से, ऊपर वाले से। तो ए बार, ए बार के साथ क्या चाहिए था आपको, बी चाहिए था कि बी बार चाहिए था, बी चाहिए था ना, तो आई नॉट को क्या देना चाहिए, बी। फिर सेलेक्ट लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लो, मतलब ए, और ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करना था आपको, बी बार करना था ना, तो आई वन को क्या देना चाहिए आपको, बी बार देना चाहिए। क्लियर है लॉजिक? अब तो अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके आप लास्ट ऑपरेशन भी लिख सकते हो, एक्स नॉर। एक्स नॉर का इक्वेशन सबको याद है, एक्स नॉर का इक्वेशन क्या होता है आपका, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। एक्स नॉर का इक्वेशन हमारा क्या था, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इस तरीके से हम 2x1 मक्स का यूज करके सारे के सारे लॉजिक गेट्स रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी भी लॉजिक गेट्स के रियलाइजेशन में किसी को भी कोई भी डाउट है यहां पर। अब आप मुझे बताओ, जिनका हो गया है सबका, कि हमने टोटल 7 गेट्स रियलाइज किए, ठीक है, नॉर से लेकर एक्स नॉर तक। आप मुझे बताओ कि हर एक लॉजिक गेट के लिए इंडिविजुअली, हर एक लॉजिक गेट के लिए हमें कितने 2x1 मक्स लगे, मतलब नॉट गेट को रियलाइज करने के लिए कितने 2x1 मक्स लगे, नैंड गेट के लिए कितने लगे, नॉर के लिए कितने लगे, हर एक लॉजिक गेट को रियलाइज करने के लिए जो हमने अभी बोर्ड में किया है, कितने 2x1 मक्स लगे इंडिविजुअली, कितने कितने लगे सबके लिए। रॉन्ग आंसर, जो वन आंसर लिखा है गौरव ने, रॉन्ग है। आप ध्यान से समझो, अगर वन ही होता तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता ही क्यों।
आप 4 to 5 क्लास पे इतना समझ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा जहां पर सामने 1-1 दिख रहा है, तो मैं 1 क्यों पूछूंगा। थोड़ा सा माइंड यूज करो, बताओ कितने लगने चाहिए। अच्छा चलो मैं आपको एक पर्टिकुलर के लिए पूछता हूं, नैंड के लिए कितने लगेंगे बताओ। नैंड आपके सामने यहां बना हुआ है, नैंड आपके सामने बनाया, बताओ कितने 2x1 मार्क्स लग रहे हैं नैंड के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो ये जो एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन में आपने सेलेक्ट लाइन क्या दिया है, ए दिया है, ठीक है। अब आंसर आपका करेक्ट है, सेलेक्ट लाइन क्या दिया आपने, ए दिया है, और इनपुट आपने क्या दिए, 0 और B। इस बात को ध्यान से समझ लो, सेलेक्ट लाइन आप हमेशा ए दे रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट लाइन जो है आपका, सेलेक्ट लाइन जो है वो इंटरनली एक बार ए होता है, एक बार ए बार होता है, वो आपको नहीं करना। सेलेक्ट लाइन आपको सिर्फ ए देनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्या दे रहे हो। आप सेलेक्ट लाइन दे रहे हो एस इक्वल टू ए, लेकिन जो इनपुट आप देते हो ना, जो इनपुट आप देते हो वो आपको देना है, ठीक है। सेलेक्ट लाइन भी आप दे रहे हो, सेलेक्ट लाइन आप ए दे रहे हो, लेकिन जब आप इनपुट 0 और B देते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर गेट को देखो तो यहां पर आप इनपुट बी बार दे रहे हो। अगर आप नेट गेट को देखो यहां भी इनपुट आप बी बार दे रहे हो। एक्सॉर को देखो इनपुट बी बार दे रहे हो, और एक्स नॉर को भी देखोगे तब भी इनपुट बी बार दे रहे हो। इसका क्या मतलब है कि बी बार देने के लिए सबसे पहले आपको बी से बी बार बनाना होगा, उसके बाद ही तो बी बार दे सकते हो आप। आपके पास डायरेक्टली बी बार अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो मैं पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एस इक्वल टू जो ए देते हो वो इंटरनली ए और ए बार होता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप तो एस इक्वल टू ए दे रहे हो, लेकिन इनपुट में जब आप बी बार देते हो तो आपको पहले बी से क्या बनाना पड़ेगा, बी बार। तो इसका मतलब क्या है, बी से बी बार बनाने के लिए आपको एक बार नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और नॉट ऑपरेशन के लिए एक 2x1 मार्क्स लग जाएगा। और क्लियर है अच्छे से, तो यहां पर नैंड के लिए, नॉर के लिए, एक्सॉर के लिए और एक्स नॉर के लिए 2x1 मार्क्स लगेंगे। नॉट गेट, एंड गेट और गेट के लिए 1 2x1 मार्क्स लगेगा आपका। क्लियर है सबको अच्छे से। नाउ यहां पर एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को आंसर करना है, हाफ एडर के लिए, टू रियलाइज हाफ एडर कितने 2x1 मार्क्स लगेंगे। टू रियलाइज हाफ एडर, हाफ एडर को रियलाइज करने के लिए कितने 2x1 मार्क्स लगेंगे आपको। हाफ एडर का मीनिंग क्या होता है, सम और कैरी। तो हाफ एडर को कंप्लीटली रियलाइज करने के लिए कितने 2x1 मार्क्स चाहिए हम लोगों को। कोई बता सकता है हाफ एडर, सबको याद है हाफ एडर क्या था, सम आउटपुट क्या था, ए एक्स और बी, और कैरी आउटपुट क्या था आपका, ए इंटू बी। हाफ एडर, सम और कैरी, 3, वेरी गुड, 3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, अभी अभी मैंने आपको बताया एक्सॉर ऑपरेशन के लिए 2x1 मार्क्स चाहिए, और ए बी दैट मींस कैरी के लिए 1 2x1 मार्क्स चाहिए। तो टोटल हो जाएंगे आपके 3 2x1 मार्क्स फॉर हाफ एडर रियलाइजेशन। क्लियर। नाउ अब मेरा क्वेश्चन है एक और इसमें कि आप रियलाइज करो ए बी बार को। एक इक्वेशन है आपके सामने ए बी बार, 2x1 मार्क्स से ही आपको रियलाइज करना है। तो आप बताओ कितने 2x1 मार्क्स लगेंगे ए बी बार के लिए। ए बी बार के लिए 2x1 मार्क्स कितने लगेंगे। वेरी गुड,
एक्चुअली वेरी वेरी गुड। ये अगर क्लिक कर रहा है और पहले से आपको नहीं पता था तो बहुत ही बढ़िया, बी को सेलेक्ट इनपुट ले लो। क्यों? होता क्या है कि हम क्लास में बार बार सेलेक्ट ए ले लेते हैं तो हम वो रट के बैठ जाते हैं कि हमें ए को ही सेलेक्ट लाइन लेना है। यहां पर इस बात को समझो कि अगर आप ए को सेलेक्ट लाइन लेते तो ए बार इंटू ऊपर वाला मतलब जीरो, ए ए के साथ क्या चाहिए बी बार, तो आपको इनपुट में बी बार देना पड़ता। लेकिन अगर आप बी को सेलेक्ट लाइन लेते तो क्या होता है, सेलेक्ट लाइन का बार मतलब बी बार इंटू ऊपर वाला, बी बार के साथ क्या चाहिए था ए, तो आई नॉट को ए देते, सेलेक्ट लाइन नॉर्मल फॉर्म में इंटू नीचे वाला तो आई वन को क्या देते जीरो। तो अगर आप बी को सेलेक्ट लाइन लेते हो तो आप क्या क्या दोगे, आई नॉट को ए दोगे तो इट्स ओके, आपको ए बार नहीं करना है यहां पर, आई वन को जीरो दोगे, यहां पर भी किसी वेरिएबल का बार नहीं करना, और एस को आपने बी दिया है तो आपका सिर्फ एक टू क्रॉस वन मार्क से काम बन जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा मिनिमम होगा, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना, मिनिमम। तो यहां पर दो भी कोई गलत नहीं था, दो से भी हो जाएगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा हमेशा मिनिमम होगा, दैट्स वाई वन टू क्रॉस वन मार्क्स। तो ध्यान रखना, बिल्कुल रट के मत बैठ जाना कि ए को ही सेलेक्ट लाइन देना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा कि ए को देना चाहिए कि बी को देना चाहिए। नेक्स्ट, अब आप हेडिंग डालो फोर क्रॉस वन मार्क्स, फोर क्रॉस वन मार्क्स। हाफ एडर के लिए आपको थ्री मार्क्स चाहिए। देखो हाफ एडर का सम आउटपुट क्या होता है, ए एक्स और बी, ए एक्स और बी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दो मार्क्स चाहिए। और हाफ एडर की कैरी आउटपुट क्या होता था, ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब क्या होता है एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए थे, वन, तो टू और वन कितने हो गए, थ्री हो गए, ठीक है। नाउ चलो नेक्स्ट है आपका फोर क्रॉस वन, तो फोर क्रॉस वन की पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फोर क्रॉस वन मतलब दो सेलेक्ट लाइन होगी और चार क्या होंगे आपके इनपुट्स होंगे, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रुथ टेबल में हमेशा सेलेक्ट लाइन क्या बन जाएंगी, इनपुट बन जाएंगी। तो सेलेक्ट लाइन क्या थी, एस वन एस जीरो, तो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। देखो बहुत सिंपल है, आपके पास चार इनपुट है, आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री, एक टाइम पे सिर्फ एक जाएगा। तो नॉर्मल आप ना गिनती को फॉलो करो, आई नॉट मतलब गिनती क्या है जीरो, तो जीरो जीरो पे आई नॉट को भेज दो, आई वन मतलब क्या है वन, तो जीरो वन पे क्या भेज दो आई वन, आई टू वन जीरो पे भेज दो, आई थ्री वन वन पे भेज दो। तो आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री फिनिश, ठीक है। कोई भी एक इनपुट किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट में जाएगा। अब जो मैंने आपको इक्वेशन लिखना सिखाया है वो क्या सिखाया है कि जो इनपुट्स होंगे उसको हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। ये देखो दो ही इनपुट हैं ए बी या एस वन एस जीरो, तो क्या लिखोगे, एस वन बार एस जीरो बार इंटू करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो कि कितना है आई नॉट, तो एस वन बार एस जीरो बार इंटू आई नॉट प्लस एस वन बार इंटू एस जीरो इंटू आई वन, देन एस वन एस जीरो बार आई टू, देन एस वन एस जीरो आई थ्री। क्लियर है अच्छे से? और देखो आपको ना इक्वेशन याद भी नहीं रखना है, जब हम अभी यूनिवर्सल एलिमेंट की तरह से स्टडी करेंगे तो आपको इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको सिंपली क्या याद रखना है, गिनती आती है ना हम लोग को दो वेरिएबल की, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो बस क्या करोगे सेलेक्ट लाइन जीरो जीरो मतलब बार बार एस वन बार एस जीरो बार मल्टीप्लाइड विथ आई नॉट,
प्लस सेलेक्ट लाइन 01 मतलब S1 बार S0 मल्टीप्लाइड विथ I1 देन मल्टीप्लाइड विथ I2 देन मल्टीप्लाइड विथ I3 दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है अच्छे से इक्वेशन। नाउ अब आप हेडिंग डालो 4x1 मक्स एज अ यूनिवर्सल एलिमेंट, 4x1 मक्स एज अ यूनिवर्सल एलिमेंट, 4x1 मक्स एज अ यूनिवर्सल एलिमेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि 4x1 मक्स में टोटल कितने सेलेक्ट लाइन है, 2। मैंने आपको क्या बोला कि सेलेक्ट लाइन को हमेशा वेरिएबल लो आप, ठीक है। तो मैं यहां पर नॉट गेट रिलाइज नहीं करूंगा क्योंकि नॉट गेट में सिर्फ एक वेरिएबल होता है ए से ए बार, और मुझे मिनिमम कितने वेरिएबल्स चाहिए सेलेक्ट लाइन के लिए, 2। ऑल दो आप एक सेलेक्ट लाइन को कांस्टेंट लेकर ये काम कर सकते हो, लेकिन स्टिल हम स्टैंडर्ड को ही फॉलो करेंगे। तो मैं यहां पर मिनिमम 2 इनपुट वाले इक्वेशन ही रिलाइज करूंगा, दैट मीन्स एंड गेट से, क्योंकि हमें यहां पर 2 सेलेक्ट लाइन के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो पहला जो मैं रिलाइज कर रहा हूं वो है आपका एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन ए कॉमा बी से हमें क्या बनाना है, ए बी। तो कोई बता सकता है यहां पर कि 2 सेलेक्ट लाइन है तो मैंने ए और बी सेलेक्ट लाइन को दे दिया, दैट मीन्स S1 को ए दे दिया और S0 को बी दे दिया। अब मुझे I0, I1, I2, I3 को क्या क्या देना चाहिए, I0, I1, I2 और I3 को क्या क्या मैं दूं जिससे जो आउटपुट है वो क्या जनरेट हो जाए, ए इंटू बी। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बता सकते हो, वेरी गुड। 0 0 0 1 क्यों, आप देख लो, ए बार बी बार इंटू 0, ए बार बी बार चाहिए ही नहीं ना, ए बार बी नहीं चाहिए 0, ए बी बार नहीं चाहिए 0, ए इंटू बी चाहिए तो 1, दैट्स इट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करना है सबको, वो क्या है, ध्यान से सुनो। आपने यहां पर एंड गेट को रियलाइज किया है बाय यूजिंग 4x1 मक्स, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 0001 को देखकर आपको कुछ समझ में आता है, एंड गेट में ये 0001 आप कहां पर देखते हो, कुछ बता सकते हो कि एंड गेट में ये 0001 हमें कहां दिखाई देता है। इससे आपको एक बहुत वेरी गुड, ट्रुथ टेबल में अगर आप देखोगे जो एंड गेट का ट्रुथ टेबल होता है वो क्या होता है, 0001 1011 आउटपुट क्या होता है, 0001। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है, जितने भी आपके स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स हैं उनके लिए वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन ये है, देखो अगर आपके लॉजिक गेट्स के एक्सप्रेशन में 2 ही वेरिएबल हैं, जैसा यहां पर मैं ले रहा हूं एग्जांपल्स, और अगर आप 4x1 मक्स से रियलाइज करना चाहते हो, तो यहां पर आपको पता है कि आपको 2 सेलेक्ट लाइन के लिए 2 वेरिएबल लगेंगे। तो आपने क्या किया, दोनों के दोनों वेरिएबल उठा के सेलेक्ट लाइन को दे दिए, तो अब आपके पास इनपुट में यूज करने के लिए कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। तो इनपुट में यूज करने के लिए अब आपके पास क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट। तो जब भी इनपुट में कॉन्स्टेंट यूज करने होंगे ना, और कोई स्टैंडर्ड लॉजिक गेट आप रियलाइज कर रहे हो, तो हमेशा उस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल कॉपी पेस्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखो अगर और ऑपरेशन का एग्जांपल दूं, तो और ऑपरेशन का जो ट्रुथ टेबल होता है वो क्या होता है, 0 1 1 1। तो एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग, देखो ए बार बी बार इंटू ऊपर वाला मतलब आई नॉट, 0 है तो ए बार बी बार नहीं आएगा, उसके बाद ए बार बी इंटू 1 आएगा, ए बी बार इंटू 1 ये भी आएगा, ए इंटू बी इंटू 1 ये भी आएगा। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो
लास्ट के दो टर्म से एक कॉमन आ रहा है, तो बी प्लस बी बार कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये बचेगा ए प्लस ए बार बी। अब देखो ध्यान से, वन प्लस टू का फॉर्म है, मतलब कौन सा फॉर्म है, ट्रांसपोजिशन का। तो ए प्लस ए बार ए प्लस बी, वन प्लस सेकेंड इंटू वन प्लस थर्ड। ए प्लस ए बार क्या होता है, वन। तो आंसर क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो आप देख सकते हो कि आपने सिर्फ ट्रुथ टेबल लिखा था और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो बस आपको यही पॉइंट माइंड में रखना है कि जब भी इनपुट में यूज करने के लिए वेरिएबल्स नहीं होंगे, इनपुट में आपको कांस्टेंट यूज करना है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ ट्रुथ टेबल कॉपी पेस्ट कर देना है। कितना इजी है सोच के देखो, ओनली ट्रुथ टेबल। सबको क्लियर है अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस पॉइंट पे? ओके गुड। तो अब आप मुझे बताओ कि नैंड नॉर एक्सऑर एक्सनॉर जितने भी लॉजिक गेट्स है, नॉट गेट को छोड़ दो, बाकी के जो छह लॉजिक गेट्स हैं उनके लिए कितने 4x1 मक्स लगेंगे, कितना 4x1 मक्स लगेगा जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनके लिए? वेरी गुड, वन। क्यों? यहां पर देखो, चूंकि दो ही वेरिएबल के इक्वेशन हैं, दोनों वेरिएबल आपने यूज कर लिए सेलेक्ट लाइन में, ठीक है, दोनों वेरिएबल आपने सेलेक्ट लाइन में यूज कर लिए, तो इनपुट के लिए क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। तो जब इनपुट में वेरिएबल दोगे नहीं, तो वेरिएबल का बार कहां से करोगे? 2x1 मक से रिलाइज करते समय प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि 2x1 में आपका जो इनपुट था वो बी वेरिएबल यूज हो रहा था उसमें, तो कभी कभी बी का क्या हो जा रहा था, बी बार। लेकिन यहां पर तो आपका इनपुट में क्या यूज हो रहा है, कांस्टेंट, तो वेरिएबल का बार कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए 1 4x1 मक से काम बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी इनपुट में कांस्टेंट यूज हो रहे होंगे, आगे जाके हम बहुत बड़े बड़े इक्वेशन भी रिलाइज करेंगे मल्टीप्लेक्सर से आने वाली क्लासेस में, तो जब भी इनपुट पे कांस्टेंट यूज हो रहा होगा तो सिंगल मल्टीप्लेक्सर से काम बन जाएगा, ठीक है। और जो एक डाउट है, 2x1 मक्स में भी कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या? नहीं, 2x1 मक्स में अगर आप दो वेरिएबल वाले इक्वेशन रिलाइज करोगे, जो आपने किया है अपनी अपने नोट्स में देखो, आपने अगर नोट किया होगा, 2x1 मक्स में जब आप दो वेरिएबल रिलाइज करोगे, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन, तो एक वेरिएबल चला जाएगा किसमें, सेलेक्ट लाइन में, लेकिन एक वेरिएबल कहां जाएगा, इनपुट में। तो हो सकता है कभी कभी उस वेरिएबल का क्या हो रहा हो, कॉम्प्लीमेंट। और सेकेंड चीज, जब इनपुट में वेरिएबल जाएगा तो कॉपी पेस्ट क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू 0001, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट तभी कर सकते हो जब इनपुट में कॉन्स्टेंट्स हो, तभी आप ट्रुथ टेबल को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे 2x1 मक्स में आप पहला देखो, नॉट गेट में 2x1 मक्स से जो आपने रिलाइज किया था नॉट गेट को, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल का आउटपुट क्या होता है, देखो, अगर आप ए देते हो 0 1, तो वाई आता है 1 0। तो आप चेक कर लो, नॉट गेट में आपने आई नॉट को 1 दिया होगा, आई नॉट को 0 दिया होगा। तो जब भी कांस्टेंट होगा तभी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब यहां पर जो हमने लास्ट के दो मल्टीप्लेक्सर का एनालिसिस किया है, उसके थ्रू मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दूंगा। यहां पर ध्यान से समझना उस कंक्लूजन को। पहले एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि जो आप लॉजिक गेट्स के इक्वेशन रिलाइज करते हो, जैसे आपने रिलाइज किया ए प्लस बी या ए प्लस बी का बार या ए बी का बार, ये सब भी क्या है, आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन ही है, बुलियन एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, बस वो आपको रटे हुए हैं क्योंकि वो किसी स्टैंडर्ड चीज के बुलियन एक्सप्रेशन है, बट है क्या वो भी दो वेरिएबल के बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहां पर जो लास्ट के दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, उससे कंक्लूजन मैं आपको देने जा रहा हूं, आप नोट करके लिख सकते हो। सपोज करो आपके पास सिर्फ 1 2x1 मक्स है, एक सिंगल 2x1 मक्स है, सिर्फ एक 2x1 मक्स है आपके पास, तो कोई बता सकता है उससे मैं 100% श्योरिटी से
कितने वेरिएबल के लॉजिकल एक्सप्रेशन रियलाइज कर सकता हूं 100% श्योरिटी हो कि हाँ भाई मैं इतने वेरिएबल के लॉजिकल एक्सप्रेशन रियलाइज कर सकता हूं अगर सिर्फ एक 2x1 मक्स है, सिर्फ एक। तो कोई बता सकता है आंसर यहां पर 1 2x1 मक्स से कितने वेरिएबल के लॉजिकल एक्सप्रेशन 100% गारंटी है कि हम रियलाइज कर सकते हैं? कोई भी कितने वेरिएबल के लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोग 1 2x1 मक्स से रियलाइज कर सकते हैं? अभी अभी हमने 2x1 मक्स को डिटेल में स्टडी किया है, जो सारे के सारे लॉजिक गेट्स आपने रियलाइज किए हैं वो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन ही है, तो आप उनका एनालिसिस करके बताओ। वेरी गुड, वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करो तो नॉट गेट रियलाइज हो गया था 2x1 मक्स से, सिंगल 2x1 मक्स से, क्योंकि वो एक वेरिएबल का था। बाकी जो दो दो वेरिएबल वाले थे, नैंड नॉर एक्सॉर एक्स नॉर एंड और, तो एंड और तो रियलाइज हो गए थे लेकिन बाकी चारों रियलाइज नहीं हुए थे। तो आपको जो कंक्लूजन है वो कैसे माइंड में रखना है? मैं फिर से एक स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं आपके लिए। देखो, आप ये सोचा करो कि 2x1 मक्स है, ठीक है, तो कितनी सरेक लाइन चाहिए होगी? एक। तो अगर आपका इक्वेशन भी एक ही वेरिएबल वाला है तो सेलेक्ट लाइन को आप क्या दे दोगे? वेरिएबल, ठीक है, वो एक वेरिएबल आप दे दोगे सेलेक्ट लाइन को। तो इनपुट में यूज करने के लिए अब कोई वेरिएबल नहीं बचा, मतलब इनपुट में क्या यूज करोगे? कांस्टेंट। लेकिन मान लो इक्वेशन आपके दो वेरिएबल वाले हैं, जैसे एंड और एक्स और एक्स नॉर थे, तो एक वेरिएबल तो आप सेलेक्ट लाइन को दे दोगे, एक वेरिएबल बच गया इनपुट में यूज करने के लिए। तो हो सकता है ना कभी कभी उस वेरिएबल का क्या हो रहा हो, कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो, जैसे XOR, XNOR, NAND और NOR में B से B बार बनाना पड़ रहा था आपको, तो उसके लिए एक और 2x1 मक्स चाहिए था। तो समझ में आ गई बात? तो बस अपने दिमाग में ये कंक्लूजन रखो कि जब इनपुट में कांस्टेंट हो रहे होंगे तो एक ही से बात बन जाएगी, लेकिन जब इनपुट में कांस्टेंट नहीं हो रहे होंगे, वेरिएबल हो रहा होगा, तो बात नहीं बनेगी हमेशा, ठीक है। तो यहां पर मैं डाउट भी क्लियर कर देता हूं। देखो, तो 1 2x1 मक्स मतलब वन वेरिएबल, ऑल वन वेरिएबल, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेट इनपुट, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो, लेकिन हां, इससे आप कितना रिलाइज कर सकते हो इस पे जरूर डिपेंड करेगा, या इस पे जरूर फर्क पड़ेगा आपका। जैसे कि अब देखो अगला, अगर मेरे पास 1 2x1 मक्स है तो ऑल वन वेरिएबल हो जाएगा, और सम ऑफ कितना हो जाएगा? टू वेरिएबल। सम ऑफ टू वेरिएबल का क्या मतलब है कि जैसे आप देख सकते हो एंड और रिलाइज हो गए थे 1 2x1 मक्स से, लेकिन नैंड नॉर एक्सॉर एक्सनॉर नहीं हुए थे। अब अगर मैं बोलूं 1 2x1 मक्स है एंड साथ में मेरे पास एक नॉट गेट भी है, तो आप बताओ कितने वेरिएबल के 100% श्योरिटी से रिलाइज हो जाएंगे? कितने वेरिएबल के 100% गारंटी के साथ रिलाइज हो जाएंगे अगर 1 2x1 मक्स है और साथ में एक नॉट गेट भी है? दो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने जो अभी एग्जांपल्स देखे हैं उसी को ओपन कर लो 2x1 मक्स से, तो नैंड नॉर एक्सॉर और एक्सनॉर में प्रॉब्लम क्या थी कि आपको बी से बी बार बनाना पड़ रहा था। तो अगर आपके पास डॉट गेट अवेलेबल होता तो बेसिकली आप इनपुट का बार बना लेते, तो सारे के सारे दो वेरिएबल के आपके रिलाइज हो जाएंगे यूजिंग 2x1 मक्स और एक नॉट गेट से। नाउ अगली स्टेटमेंट है मेरी, 1 4x1 मक्स है, तो बताओ ऑल कितना, कितने वेरिएबल के एक्सप्रेशन 100% रिलाइज हो जाएंगे 1 4x1 मक्स से? 1 4x1 मक्स कितने वेरिएबल के एक्सप्रेशन 100% रिलाइज हो जाएंगे हमारे?
दो वेरिएबल, वेरी गुड। क्यों? देखो इसके लिए आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। पहला तो आप अपना एग्जाम्पल देख लो, जो अभी आपने एंड और सब स्टडी किया था 4x1 मार्क से, सारा का सारा एक एक से रिलाइज हो रहा था। दूसरा ये सोच रहे हो जो मैं कंक्लूजन आपको अब तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि 4x1 मार्क्स है तो कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए, दो, और अगर दो ही वेरिएबल का एक्सप्रेशन होता है तो दोनों के दोनों वेरिएबल चले जाएंगे सेलेक्ट लाइन में, तो इनपुट को क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट। और जब इनपुट को कॉन्स्टेंट मिलेगा तो सवाल ही नहीं उठता कि इनपुट में आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो आपका एक ही से काम बन जाएगा। लेकिन सम ऑफ क्या हो जाएगा, थ्री वेरिएबल। सम ऑफ थ्री वेरिएबल का क्या मतलब है कि अगर आपके पास तीन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है और 4x1 मार्क से रिलाइज करना है तो दो वेरिएबल तो आप सेलेक्ट लाइन को दे दोगे लेकिन एक वेरिएबल बच जाएगा, उसको आप कहां यूज करोगे, इनपुट में। तो हो सकता है कभी कभी उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़े, तो कुछ एक्सप्रेशन रिलाइज हो जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएंगे। जहां जहां पर उस वेरिएबल का इनपुट में कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा वो रिलाइज नहीं होंगे, जहां जहां पर नॉर्मल फॉर्म में लेना पड़ेगा वो रिलाइज हो जाएंगे। तो एक और कंक्लूजन, फिर हम लोग जनरलाइज फॉर्म में आंसर लिख देंगे। 1 4x1 मार्क्स एंड अगर 1 नॉट गेट हुआ तो कितना हो जाएगा, ऑल थ्री वेरिएबल, क्योंकि जो थर्ड वेरिएबल होगा उसका जब जब कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी इनपुट साइड में, तो अगर आपके पास एक नॉट गेट अवेलेबल है तो आप कॉम्प्लीमेंट ले पाओगे, तो सारे के सारे थ्री वेरिएबल भी हो जाएंगे। तो अब इसे अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में एक फॉर्मूला आपके डेवलप कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर 1 2 की पावर n x 1 मक्स हुआ तो कोई बता सकता है ऑल कितना लिखूंगा और सम ऑफ कितना लिखूंगा, ऑल कितना वेरिएबल और सम ऑफ कितना वेरिएबल। अगर 1 2n x 1 मक्स हुआ, ये दो लाइंस का यूज करके आप बता सकते हो, जब 1 2x1 मक्स था तो ऑल वन वेरिएबल था, सम ऑफ टू वेरिएबल था, वेरी गुड, ऑल एन वेरिएबल। क्यों? देखो जब 1 2x1 मक्स था, 2x1 मतलब क्या, 2 की पावर 1, तो ऑल वन वेरिएबल था। जब 1 4x1 मक्स था तो 4x1 मतलब क्या, 2 की पावर 2, तो ऑल टू वेरिएबल था, और सम ऑफ क्या था, 3, और यहां पर सम ऑफ क्या था, 2, तो सम ऑफ क्या लिख सकते हो, n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरलाइज फॉर्म, अगर 1 2n x 1 मक्स हुआ और साथ में एक नॉट गेट भी हुआ, तो यहां पर आप देख सकते हो जब 1 2x1 मक्स था और एक नॉट गेट था तो 2 की पावर 1 था, लेकिन ऑल टू वेरिएबल हो गए यहां पर। जब 1 4x1 मक्स था और एक नॉट गेट था तो 2 की पावर 2 था, लेकिन ऑल थ्री वेरिएबल हो गए, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल एन प्लस 1 वेरिएबल्स। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्म में n के फॉर्म में आंसर है। यहां तक अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, सबको अच्छे से क्लियर है यहां तक। ओके, किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी मक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मक्स में अभी काफी कुछ हमें और स्टडी करना है। ठीक है, तो मक्स में जो हम लोगों को स्टडी करना है वो इन टॉपिक से रिलेट करेगा, तो अगली क्लास 2 से 3 दिन के बाद होगी, तो आप लोग मक्स का कंप्लीट रिवीजन करके आना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है आज की क्लास में। ठीक है, ओके, फिर आज की क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू।